नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक एरर दिखाता हूं जो कि काफ़ी बार आपके सिस्टम में आ जाता है जब भी आप विंडोज़ वगैरह डालते हो। दोस्तों जैसे ही आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो दोस्तों उसके बाद ना ये डेल वगैरह जो लोगो आता है वो आता है, ये यहाँ पर दोस्तों आप जो लोडिंग देख रहे हो ना ये स्टक हो जाती है। ये देखो दोस्तों चलते चलते, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम दोस्तों काफ़ी लैपटॉप्स में कई बार आ जाती है और अगर आप इसको SSD भी चेंज कर लोगे ना तब भी ये ठीक नहीं होती। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि अब ये जो लोडिंग है वो रुक चुकी है, मतलब जो आपका लैपटॉप प्रोसेसिंग ले रहा था विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए वो नहीं ले रहा। जनरली ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, जब आप न्यू फ्रेश विंडो डालते हो अपने लैपटॉप के अंदर तो दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलती है। जब आपका सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाता है और गेटिंग डिवाइस रेडी करके जो एक ऑप्शन आता है वहाँ पे दोस्तों आपके रेडी होने के लिए ये प्रोसेसिंग चलती है और ये यहाँ पर आके स्टक हो जाता है। अब दोस्तों इसको आप अगर रीस्टार्ट करोगे या एंटर वगैरह कुछ भी कर लो ये यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। जनरली दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉब्लम है ना ये होती है मदरबोर्ड की बायोस जो लगी हुई होती है उसकी वजह से। तो उसका मैं बताता हूँ उसको आपको रीसेट कैसे करना है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए ना भाई आपको सबसे पहले ये जो पावर बटन देख रहे हो उसको प्रेस करके अपने लैपटॉप को डायरेक्ट शटडाउन कर देना है। शटडाउन करने के बाद दोस्तों आपको अपने लैपटॉप में बायोस मेनू खोलना है, जो कि जब आप पावर ऑन करोगे पावर ऑन करते ही F2 प्रेस करना है आपको। अगर आपका डेल का लैपटॉप है, HP का होता तो भाई F10 से आता। तो दोस्तों यहाँ पर बायोस का आ चुका है जो भी सिस्टम होता है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ करने वाली चीज़ क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो नीचे जब आओगे तो भाई एक सिक्योर बूट का ऑप्शन होता है। पहले तो इस सिक्योर बूट को ना आप अनेबल या डिसेबल होता है, अगर ये ऐसे करके टिक है तो पहले इसको टिक को हटा लेना है यहाँ से और इसको आप मतलब डिसेबल करना है आपको। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है, फिर आपको एग्ज़िट कर देना है, फिर चेक करना है। अगर तब भी नहीं होता तो दोस्तों यहाँ पर एक रीस्टोर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, आपको रीस्टोर कर देना है और फैक्ट्री सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद ओके। अब दोस्तों ये जो भी है ना आपकी बायोस वो रीसेट हो चुकी है। उसके बाद आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है और चेक करते हैं कि चलता है या नहीं चलता। काफ़ी चांसेस होते हैं कि दोस्तों ऐसा करने से आपका लैपटॉप चलने लगेगा। अगर दोस्तों नहीं चलता तो भाई आपको अपने जो बायोस होती है ना उसको रीप्रोग्राम कराना होगा किसी इंजीनियर के पास जाके, क्योंकि वो एक मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है और भाई वो आप अपने एंड से नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रोग्रामर आता है, उससे ही होती है। तो भी वैसे चेक कर लेते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई प्रॉब्लम एज इट इज़ है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं, आपको इसकी बायोस को रीप्रोग्राम करना होगा। आप वो चाहे जैसे करो, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपको करना आता है, अदरवाइज़ आपको मदरबोर्ड से हटवा के वो इंजीनियर से करानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।